हेलो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन स्पेशल में आज हम बनाने वाले हैं बिना गैस जलाए एकदम ज़बरदस्त महंगी मिठाई। और इसे बनाने में आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी मिठाई ये बनके तैयार हो जाता है और बनाना बेहद आसान है। और इसे अगर आपने एक बार बना लिया तो हर बार आप इसे ट्राई करेंगे और कोई यकीन भी नहीं कर पाएगा कि आपने इसे घर में बनाया है। ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। मैं आपको इसे कट करके भी दिखा रही हूँ। ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स। और इसे हम बनाएंगे ब्रेड से और कोई यकीन भी नहीं कर पाएगा कि आपने इसे ब्रेड से बनाया है। और ये देख सकते हैं ये जो हमारी मिठाई कितनी यम्मी बन के तैयार हुई है। तो आप अपने भाई को इस रक्षाबंधन इस मिठाई को बना के ज़रूर खिलाएं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पे बादाम लिया है, देख सकते हैं 10 से 12 बादाम लिए हैं। थोड़े से काजू लिए हैं, पिस्ता भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे 3 हरी इलायची ले ली है स्टफिंग के लिए फ्रेंड्स। तो इलायची के छिलके को मैंने हटा दिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे शुगर डाल दी है और इसे ढक्कन ला के और पीस लिया है, देख सकते हैं बहुत अच्छे से पीस चुका है। तो इसमें हम पनीर डालेंगे फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ मैंने पनीर लिया है। और इसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, 1 से 2 बार चला के और आपको हटा लेना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। और इसमें अपने मनपसंद कोई फूड कलर ऐड कर सकते हैं, जैसे ग्रीन कलर, पिंक कलर, जो भी आपको पसंद हो वो कलर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने केसरी कलर ऐड किया है। और ये देख सकते हैं मैंने इसे ज़्यादा चलाया है क्योंकि मुझे इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालना है। और यहाँ मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत मुझे पसंद है, इसलिए मैंने डाला है। आप चाहे तो इसे स्किप करें। और जो ड्राई फ्रूट्स आपने घिसे हैं पीसे हैं वो ज़्यादा गीला ना हो, उसके लिए पनीर डाल के आपको 2 बार ही चलाना है। ज़्यादा चलाएंगे तो ऐसा गीला हो जाएगा। और ये देख सकते हैं स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसके हम गोल गोल लड्डू बना लेंगे। जितने आपको ब्रेड लेने हैं उसके हिसाब से आप लड्डू बना लें। तो यहाँ मैंने टोटल 11 लड्डू बनाए हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। बनाना भी बहुत ईजी है, हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकता। और ये जो लड्डू है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। ऐसे ही अपने सारे लड्डुओं को बना के और रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में मैंने 2 बड़े चम्मच मलाई डाल दी है। मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद से इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। मलाई डालने से जो आपकी मिठाई का टेस्ट है फ्रेंड्स और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और क्रीमी क्रीमी जैसा लगता है। और फ्रेंड्स, जो मलाई आप लें वो फ्रेश लें, 2-4 दिन पुरानी बिल्कुल भी ना लें, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे आपको ताज़ी मलाई का यूज़ करना है। और 11 ब्रेड के स्लाइसेस के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम दूध ऐड किया है। अच्छे से मलाई के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम चीनी डाल रहे हैं, देख सकते हैं 1/3 कप मान के चलिए है। और यहाँ पे लाइट नहीं है फ्रेंड्स, हम दूसरे जगह शिफ्ट हुए हैं तो अभी इन्वर्टर उन्वर्टर नहीं है, अभी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम चीनी खड़ी डाल रहे हैं। और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने केवड़ा जल डाला है। इससे मिठाई का जो टेस्ट है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो स्किप करें। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करें अगर आपको जल्दी है तो। और अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। और तब तक साइड में से हटा देते हैं, तब तक चीनी घुलेगी तब तक हम ब्रेड की स्लाइस को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड की स्लाइस को हम कट कर लेंगे और सारे एजेस को हमें निकाल लेना है। थोड़ा भी उसमें मत रखिएगा, नहीं तो आपकी मिठाई जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी आपको बनाने में, क्योंकि वो हार्ड होता है थोड़ा। तो ये देखिए मैंने ऐसे कट करके निकाल लिया। ऐसे ही हम 11 पीस निकाल लेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, क्या हुआ कि मेरे से गलती से वीडियो डिलीट हो गया, देख सकते हैं। आगे मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि मैंने 11 मिठाइयाँ बना के रखी हैं, लेकिन यहाँ मेरे फ़िलहाल 4 ही ब्रेड था मेरे पास। तो मैंने 4 ही ब्रेड को यूज़ करके और बना दिया है फिर से। और जो पहले वाला वीडियो था वो गलती से मेरे से डिलीट हो गया फ्रेंड्स। तो मैं आपको दोबारा से ये वीडियो बना के दिखा रही हूँ।
आपको दूध में अच्छे से इसे डिप करना है और एक्स्ट्रा दूध जो है उसे आपको निचोड़ लेना है, निकाल लेना है। ये देखिए ऐसे निकाल लेना है। उसके बाद से जो स्टफिंग है फ्रेंड्स इसके अंदर भर देना है, जो हमने येलो कलर का लड्डू बनाया था, भर के इसको अच्छे से बंद कर लेना है, कवर कर देना है। बनाना बहुत ईजी है और टेस्टी तो बहुत है ये लड्डू। एक बार आप बना लेंगे तो हर बार बनाएंगे। और ये देखिए गोल गोल आपको ऐसे बना लेना है और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है फ्रेंड्स। और दूध भी जो आपको लेना है रूम टेम्परेचर पे ही लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए आपको, जिससे ठंडा नॉर्मल दूध चाहिए आपको। ऐसे ही हम अपने सारे मिठाइयों को बना के और रेडी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे ही अपने सारे लड्डुओं को बना के और रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दो आपको बना के दिखा दिए हैं। ऐसे हम चार लड्डू बना लेंगे और जो दूध आपको दिख रहा है फ्रेंड्स इसे भी हम यूज़ करेंगे। और ये देखिए हमारा दूसरा लड्डू भी बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। और ये देखिए चार लड्डू बन के और तैयार हो चुके हैं। और जो बचा हुआ दूध है इसके ऊपर हम डाल देंगे। ये देखिए ऐसे ही हम अपने सारे मिठाइयों पे ऐसे डाल देंगे, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। और देखा ही आपने बनाना कितना इजी है इसे, और कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत कम समय में बन के मिठाई तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसे दूध डालने के बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ता। ये देख सकते हैं मैंने बादाम बारीक काट के डाल दी है, थोड़े से पिस्ता डाल दिए हैं। आप यहाँ पे सिल्वर वर्क जो आता है वो भी लगा सकते हैं, केसर से इसे डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप इसे डेकोरेट करें। और जो ये हमारी लाजवाब मिठाई है फ्रेंड्स बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।